आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ी ऑमलेट सैंडविच। ऑमलेट बनाना तो सबको आता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि बाजार की तरह परफेक्ट ऑमलेट बिना टूटे हम घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है जिसे मॉर्निंग में करने पे पूरा दिन आपको एनर्जी मिलती है। वेलकम टू रुचिकाज गुड फूड। ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 eggs लिए हैं, उसको मैं ब्रेक करके एक बाउल में डाल लूंगी। आप 3 नहीं तो कम से कम 2 egg तो जरूर लीजिएगा, तभी अच्छे से सैंडविच बनेगा। अब मैं यहाँ पे एक विस्क की सहायता से इसे अच्छे से बीट करूंगी जब तक ये स्लाइटली फ्लफी नहीं हो जाता। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच। 2 से 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे टमाटर ऐड करूंगी, इसे मैंने बारीक काट लिया था। साथ ही साथ थोड़ी सी ग्रीन चिली और हरा धनिया ऐड करूंगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एग के मिक्सचर को हमें यहाँ पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीट करना चाहिए। यहाँ पे मैं तवा का यूज़ कर रही हूँ, आप पैन का यूज़ कर सकते हैं, बट तवा यूज़ करने से हमें ऑमलेट सैंडविच बनाने में आसानी होती है। बटर डालने के बाद यहाँ पे गर्म होने पे मैं एग का मिक्सचर डालूंगी और उसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। देखिए हमारा एग का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा कुक हो चुका है। इसी स्टेज पे हमें इसमें ब्रेड लगानी है जिससे हमारे ब्रेड स्लाइसेस इसमें अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम यहाँ पे स्पैटुला की सहायता से अपने ऑमलेट का साइड से क्लीन करेंगे ताकि हमें इसे पलटने में आसानी रहे, और बहुत केयरफुली हम इसे फ्लिप करेंगे। जिस साइड से हमें टर्न करा है उस साइड को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। 1 मिनट होने के बाद अब हम इसे दोबारा से टर्न करेंगे। मैं यहाँ पे अब चीज स्लाइस लेके एक ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी और साइड से जो एग का पोर्शन है उसको मैं कवर करूंगी। आप इसे दोनों साइड से बहुत केयरफुली कवर कीजिए। अब हम यहाँ पे ब्रेड की एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर रख के कवर करेंगे। तो लीजिए, बन गया ना हमारा मार्केट वाला एग सैंडविच। जो ऑमलेट ब्रेड हमें मार्केट में मिलता है हम सोचते हैं कि घर में नहीं बन सकता। तो लीजिए, हो गया तैयार हमारा चीजी ऑमलेट सैंडविच। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, एवोकाडो स्मूदी। एवोकाडो स्मूदी बहुत ही हेल्दी होती है और साथ ही साथ टेस्टी होती है। इसके लिए हमें एक एवोकाडो चाहिए। मैं एवोकाडो को बीच में से कट करूंगी। आप इसे ध्यान से कट कीजिएगा क्योंकि सीड निकालते समय हाथ भी कट सकता है। हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। आप यहाँ पे पूरा का पूरा एवोकाडो इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें एक बनाना ऐड करेंगे। बनाना को आप छिलके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये एवोकाडो स्मूदी मैं बिना शुगर के बना रही हूँ, तो आप इसे आसानी से ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अब मैं इसमें 4 से 5 डेट्स ऐड करूँगी। आप यहाँ पे सीड्स निकाल के इसमें डालिएगा, या फिर बाजार में बिना सीड्स वाले डेट्स भी मिलते हैं। अब यहाँ पे 400 ml के आसपास ठंडा दूध लेंगे। आप यहाँ पे लो फैट दूध का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी आधा दूध ही डाला है। इसको मैं कवर लगा के अच्छे से एक प्यूरे बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लेंड हो चुका है, बट ये अभी काफी थिक है। जो बचा हुआ दूध था वो भी मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। आप अगर चाहें तो आधा दूध और आधा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए फिर एक बार हम इसे और ब्लेंड करते हैं अच्छे से। लीजिए, हो गई हमारी एवोकाडो स्मूदी रेडी। ये बहुत ही हेल्दी होती है और पीने में बहुत ही डिलीशियस होती है। आप इसे ठंडा ठंडा ग्लास में डाल के सर्व कीजिए सुबह के नाश्ते के साथ, जो बहुत ही डिलीशियस लगेगा और बहुत ही हेल्दी होगा। इसे आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से एवोकाडो के साथ और बनाना के साथ। थोड़ा सा बस आप इसके ऊपर कटा हुआ पिस्ता ऐड कर दीजिए जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली कैफे स्टाइल एवोकाडो स्मूदी। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए फटाफट से बनाइए ये 2 हेल्दी ब्रेकफास्ट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।